को शाम को 8:30 बजे सिद्धेश पाटिल उनके काम से घर जा रहे थे। दक्षता चौक एपीएमसी मार्केट के पास आता है, वहाँ पे बात करते हुए जाते समय दो बाइक सवार ने उनका मोबाइल खींचा। तो जब मोबाइल खींचा तो सिद्धेश पाटिल ने उनका हाथ से उनको रुकाया, तो चोर चोर लगने चिल्लाने लगे। वहीं पे हम पेट्रोलिंग के दरमियान वहाँ पे थे, हमने देखा कि वहाँ इंसिडेंट हो रहा है। हम भागते हुए जाके उनको पकड़ा, तो वो भाग के जाने के समय में हमने एक को पकड़ा और दूसरा बाइक वाला वहाँ से निकल गया। उनका मोबाइल और कैश मिल गया है और तश्वीश आ रही है। 2 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। 21 जून की तारीख को 21 जून शाम को 7:45 बजे कोपरी ब्रिज के पास सिद्धेश पाटिल बोल के उनका मोबाइल स्नैच हुआ था। 7:45 बजे के बाद उन्होंने इतना ही डिटेल दिया था कि होंडा शाइन गाड़ी पे दो बंदे उनका मोबाइल स्नैच करके चले गए। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो गाड़ी एपीएमसी पुलिस स्टेशन से ही चोरी हुआ था 2 दिन पहले, उसका FIR रजिस्टर था। तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमने फॉलोअप किया तो 15 दिन के बाद हमको ऐसा पता चला कि वो वापस एरिया में स्नैचिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो 2 दिन पहले हमने शाम के समय वहाँ पे ट्रैप लगा के दोनों को पकड़ा। उन्होंने मोबाइल स्नैचिंग में का मोबाइल रिकवर किया है और गाड़ी भी जब्त किया है। टोटल 2 गुने ओपन हुए हैं।